भाजपा सांसद के खिलाफ FIR हुई दर्ज तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने की गिरफ्तारी की मांग। क्या गिरफ्तारी करेगी यूपी पुलिस? अखिलेश के सवालों से सन्न रह गए भाजपाई। कानून व्यवस्था का ऐसा हाल, थाने में सांसद काट रहे बवाल, अब आगे क्या होगा? यूपी की कन्नौज सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक और 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके का है। यहां मंडी चौकी प्रभारी ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद कन्नौज कोतवाली में भाजपा सांसद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा सांसद के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। सपा मुखिया ने लिखा, आज की ताजा खबर, पुलिस वालों ने की कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर FIR। जनता पूछ रही है कब होंगे गिरफ्तार। इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छुपकर अपनी जान बचाए। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल सुब्रत पाठक पर मंडी समिति चौकी में घुसकर पुलिस कर्मियों से मारपीट का आरोप है। मंडी समिति चौकी इंचार्ज हाकिम सिंह ने तहरीर में लिखा है कि बीती रात को मैं अपनी टीम के साथ गश्त पर था, उसी दौरान उन्नाव की औरास पुलिस अपहरण के मामले में दबिश देने आई। टाइगर जिम से 5 युवकों को पकड़कर अपहृत युवक को बरामद कर उन्नाव लेकर पुलिस चली गई। हाकिम सिंह ने बताया कि वायरलेस से सूचना मिली कि उन्नाव की टीम की मदद करें। संदेश मिलते ही मैं उप निरीक्षक सुभाष के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और आज पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ रखा था। इसी दौरान मौके पर चौकी इंचार्ज सराय मीरा तरुण सिंह सिपाहियों के साथ आए। उन्नाव पुलिस की टीम के साथ सभी आरोपियों को चौकी मंडी समिति लाया गया। इसके बाद ही उसे छुड़ाने चौकी पहुंचे सुब्रत पाठक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। अखिलेश यादव के ट्वीट पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, योगी सरकार में सत्ता का दबाव पुलिस पर नहीं है, सांसद तक की कोई नहीं सुन रहा, सब निरंकुश हैं। अनुज नाम के एक यूजर ने लिखा, सपा सरकार में तो सपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता था, क्योंकि थाने में सपाइयों की चलती थी। अब ठीक है कि भाजपाई भी मुकदमों में फंस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।